आपका शुभ नाम सर? जाकिर हुसैन। जाकिर, हमारे नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है जाकिर सर। ये गुजरात से हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, और ये बताएंगे थोड़ा सा आप लोगों को कि बिहार में हम लोगों की क्या कमियां हैं और हम लोग गुजरात में क्या करते हैं ताकि बिहार के लोगों को क्या करना चाहिए। सर, मैं चाहूंगा दो लाइन आप बताएं कि बिहार के लोगों में कमियां कुछ नहीं है। कमी कोई जात का प्रॉब्लम नहीं है बिहार के लोगों में। बिहार के लोग को खुद में परिवर्तन लाना है। आपका उधर क्या बिहार में है कि एक करता है वो ही करता है, ऐसा मत करो। वो करता है उससे अलग बनने का कुछ करने का ट्राई करो, खुद के दिमाग से काम करो। तो भाई उसने बोल दिया तो वैसा है या नहीं, ये नहीं, अपने खुद का दिमाग लगा और कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ मेहनत करो। कोई मेहनत आपकी फल मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा तो क्या आएगा, तो कुछ आगे बढ़ने की तकलेगा। आप बिहार में बिहार में रहो, बिहार का विकास ऐसे नहीं होगा। आप गुजरात जाओ, गुजरात में से कुछ सीखो, सीखने के बाद वापस बिहार जाओ, और बिहार जाने के बाद आप गुजरात को जो डेवलप मिला है उस तरह से बिहार को भी डेवलप करना है। वो खेती बाड़ी आप कर रहे हो वो बात भी सही है, तो उसको उसकी जगह पर रहने का आप थोड़ा बाहर निकलो और खुद में परिवर्तन ले आओ कि भाई आपके आने के बाद ये हुआ ये हुआ। बाहर निकलो तो किस तरह से लड़ना झगड़ना वो कोई काम नहीं, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते इस तरीके से। तो थोड़ा पहले तो वही आप छोड़ दो उधर बिहार में, बिहार के बाहर आओ, बाहर से कुछ सीख के जाओ, फिर बिहार में कुछ बनाओ, इस तरह से आपका बिहार आगे आएगा। वही वही धन्यवाद सर। हम सर जैसे ने बताया कि आपने कुछ लर्निंग लीजिए, बिजनेस का नॉलेज लीजिए, गुजरात में जाकर जिस तरह से वो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस नॉलेज लेकर के और आकर के अपने बिहार में कुछ करिए, कुछ सीखिए और प्रेम भाव से रहिए। तो मैं सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय देने के लिए सर। थैंक यू सर।